तो ये देखे बिना देखे किस तरह औरतें रोड पार करती हैं। और ये है पटना का शीतला मंदिर, काफ़ी फेमस, और एक काफ़ी खूबसूरत व्यू देख सकते हैं, कितने सारे हंसों का जोड़ा। और ये है मेरा आज का डिनर प्लेट, सबका फेवरेट पाव भाजी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप कि अच्छे होंगे। तो अभी मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जो आपने इमेजिन नहीं किया होगा कभी, कि पटना में ऐसी भी जगह है। देख सकते हैं पूरा गांव वाला व्यू है, पूरा का पूरा चारों साइड से तालाब है, बीच में एक सड़क है। तो मैं एक बस एक बार क्रॉस कर रहा था, तब मैंने ऐसा एक एरिया देखा, ये देखी मेरी बाइक। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी इसको भी आपके पास शो किया जाए। आ गया हूँ मैं, ये देखिए गाय चढ़ रही है और इस साइड भी पानी है। तो यहाँ पर मछली लोग पकड़ते हैं, काफ़ी सारी मछलियाँ हैं इसमें। और ये देखिए कितने सारे हंसों का जोड़ा, ये लोग भी मछली का शिकारी कर रहे हैं यहाँ पर। वीडियो में तो नहीं आया बट मैंने देखा, ये लोग मछली लेकर ही निकलते हैं। देखिए अंदर चले गए फिर बाहर निकले, तो इन लोग भी खेल रहे हैं, मछली का शिकार भी कर रहे हैं साथ साथ। तो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ पटना के शीतला मंदिर के पास से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी शो किया जाए, आप भी दर्शन कर लो दूर से। तो कभी भी इस पर भी वीडियो बना लेंगे, बट नीचे काफ़ी रिस्क भरा एरिया है, तो इसलिए इस पर कभी और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि नीचे काफ़ी ट्रैफिक होती है। सो स्टार्ट कर रहा हूँ एक न्यू राइड। तो गाइज आज का व्लॉग होगा छोटा, क्योंकि आज भी कुछ मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ एक रिलेटिव के यहाँ। तो इसलिए ये ब्लॉग छोटा होगा, और वैसे भी व्यूज़ कम आते हैं। सो देखो एक बच्चा कितना प्यार से देख रहा है, ये देखिए, आई होप कि आपको देख रहा हो क्लियर। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, सी, तो काफ़ी क्यूट बच्चा है और बिल्कुल बाइक को देख रहा है, मुझे देख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और आपसे वही सेम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग यहाँ पर नए आए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड कमेंट भी करना, एंड बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप उसको पहले देख पाओगे। और वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि वीडियो छोटा होता है क्योंकि मेरे पास व्यूज़ कम है, और जब लोग देखने वाले काफ़ी होंगे तो अच्छा मन भी करेगा, मोटिवेशन मिलता है, आप समझ सकते हैं। तो मैं लॉन्ग वीडियो लाऊंगा, क्रिएटिव काफ़ी अच्छी वीडियो ला सकता हूँ, बट क्योंकि व्यूज़ कम आते हैं, देखने वाले कम है। 1000 का मैंने पूरा कर लिया ये तो है, बट मेरे पास अभी वॉच टाइम बहुत कम है, तो उसमें वॉच टाइम कंप्लीट करने में और 1000 से 1 लाख होने में सपोर्ट करो आप लोग। तो देख सकते हो जाम लग जाता है, किस तरह ट्रैफिक हो जाती है, तो लोग इस साइड से भी निकलने की कोशिश करते हैं, ओवरटेकिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं काफ़ी पेशेंस में चलाता हूँ, क्योंकि मैं छपरी बाइक कर रही हूँ, देख सकते हो, जब ज़रूरत पड़ती है तभी मैं स्पीड चलाता हूँ, और वही मैं 100 को क्रॉस नहीं करता, 100 तक ही जाता हूँ। और ये देखिए किस तरह बिना देखे पार करती हैं औरतें। तो ऐसी औरतों से सावधान, ये लोग क्या करती हैं अगर रोड पार करती हैं जानबूझकर इस तरह, और अगर हल्का सा भी आपसे ठुक गया, टच भी हो गया, तो ये लोग पड़ जाएंगी जमीन पे और फिर बोलेंगी पैसा लाओ, 500, 1000, 2000, 5000। एक बार मेरे साथ ऐसा केस हुआ हुआ है, तो मेरे एक पहचान वाले के साथ ऐसा हुआ था, तो इसलिए मुझे पता है कि इन लोग रोने पीटने लगेंगी, हल्ला करने लगेंगी, भीड़ इकट्ठा करने लगेंगी और आपसे करेंगी पैसे की डिमांड। तो थोड़ा सा अलर्ट रहो रोड पर। तो गाइस आ गया हूँ मैं पेट्रोल पंप के, और क्योंकि मेरा पेट्रोल हो गया है लो, तो बाइक चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप बाइक में पेट्रोल डलवाते रहें, ख़त्म हो जाने से बेटर है, कि नहीं तो फिर खींचना पड़ जाएगा। तो KTM में काफ़ी कम माइलेज होता है, इस बाइक में ये एक दिक्कत है कि पेट्रोल कब खत्म होगा।
कुछ कह नहीं सकते। आप 500 की भराओ, 1000 की भराओ। हाँ लेता हूँ लेता हूँ। तो बच्चा मास्क बेच रहा है, तो कोई नहीं, एक मास्क ले लेंगे, ज़रूरत पड़ती है। मैं बाइक चलाता हूँ तो मास्क पहनता ही हूँ। तो ये देखिए बच्चा यहीं पर खड़ा हो गया है। तो गाइज मास्क मैंने ले लिया है। मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आप दिखाऊंगा कि किस तरह का मास्क है। सिंपल सा मास्क है। तो यहाँ पर थोड़ा हवा भी डलवा लेते हैं। और ये देखिए काफ़ी क्यूट बच्चा। तो गाइज वीडियो को करते हैं स्टॉप, मिलते हैं घर पर। तो गाइज पहुँचने में शाम होगी और देख सकते हैं सूरज डूब रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। और ये देखिए आज की जो है डिनर की तैयारी हो रही है। मॉम बना रही है पाव भाजी। तो देख सकते हैं आप, मेरे मॉम का चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। मॉम के चैनल का नाम है नीलिमा की रसोई, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो काफ़ी टेस्टी दिख रहा है पाव भाजी। तो अभी आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो गया है क्योंकि व्यूज़ कम आते हैं। अगर व्यूज़ ज़्यादा बढ़े तो मन भी करता है। तो देखिए गाइस मेरी पाव भाजी की प्लेट आ गई है। तो मैं फिलहाल खाता हूँ। आप लोग वीडियोस को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड कमेंट भी करो। मॉम का भी चैनल हो सके तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।